अरे भाई ये कचरा क्यों उठा रहे हो? भाई कसरत कर रहा हूँ। ये कैसी कसरत है? प्लॉगिंग बोलते हैं इसको, रनिंग करते हुए कूड़ा उठाता हूँ तो वर्कआउट भी हो गया। भाई ये तो बहुत ही सही है, चलो मैं भी करता हूँ तुम्हारे साथ। चलो। और ऐसे ही प्लॉगिंग की शुरुआत हुई। प्लॉगिंग दो वर्ड्स को मिक्स करके बनाया गया है, प्लॉग और जॉगिंग। प्लॉग वर्ड आया है स्वीडिश वर्ड प्लॉका अप से, जिसका मतलब होता है पिकअप। और आज प्लॉगिंग एक पॉपुलर एक्टिविटी बन चुकी है, और रिपु दमन ने इंडिया में प्लॉगिंग की शुरुआत की थी 2016 में। रनिंग की आदत तो मुझे बचपन से थी, सुबह उठना, बाहर निकलना, रन करना, लोग नहीं होते, ट्रैफिक नहीं होता, पर एक चीज हमेशा दिखती थी, वो था कचरा और ट्रैश, और वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था कई बार। तो रिपु दमन ने डिसाइड किया कि वो जॉगिंग करते वक्त अपने सामने आने वाले कचरे को कलेक्ट करेंगे और उसको सही जगह डिस्पोज करेंगे। तो अब मैं कचरा रोज उठाने लगा, सुबह उठता, रनिंग करता और कचरा उठाता। उस समय तो मुझे पता भी था कि प्लॉगिंग नाम का कोई शब्द भी है, तो मेरे लिए रनिंग करते हुए कचरा उठाना एक्स्ट्रा वर्कआउट हो गया था। पर रिपु दमन की जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बिकॉज कुछ भी नया करने पे लोग कुछ ना कुछ तो बोलते ही हैं, और रिपु दमन ने ऐसा बहुत कुछ सुना। इनिशियली लोग मुझे कहते थे ये तो कचरे वाले का काम है, सरकार करेगी, ये कचरे वाले करेंगे, तू क्यों कर रहा है। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। पर रिपु दमन का जवाब एकदम सिंपल और क्लियर था। तो मैं उनसे कहता था कि जब आप कचरे फेंकने वाले को कुछ नहीं बोलते, तो जो साफ कर रहा है उसको क्यों बोल रहे हो। और ऐसी नेगेटिव बातों को और लोगों को इग्नोर करते हुए रिपु दमन अपना काम करते गए, पर अभी भी एक प्रॉब्लम तो थी। तो मेरे अकेले के करने से इम्पैक्ट तो पड़ रहा था, बट वो शायद मेरे तक लिमिटेड था, पर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए प्लॉगिंग को एक्सपैंड करना जरूरी था। तो रिपु दमन ने प्लॉगिंग के बारे में ऑनलाइन पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे थोड़े ही सही पर लोग उनसे जुड़ने लगे। रिपु दमन काम तो इंडिया में कर रहे थे, पर उनको पहला रिकॉग्निशन मिला इंटरनेशनल मीडिया से। तो 2018 के शुरुआत की बात है, मुझे एक दिन अमेरिकन न्यूज से एक रिक्वेस्ट आई कि हम आपकी स्टोरी को फीचर करना चाहते हैं, और उसके बाद अमेरिकन रेडियो ने भी मेरी स्टोरी को कवर किया। तब उसके बाद अवेयरनेस आई और बहुत ज़्यादा लोगों ने जुड़ना स्टार्ट किया, और उनको ये पता लगा कि इंडिया में ब्लॉगिंग की शुरुआत मैंने की है। और यहाँ से लोगों का नज़रिया बदल गया, क्योंकि जो लोग रिपु दमन को कहते थे कचरा उठा रहा है, वही लोग रिपु दमन के साथ उनकी प्लॉगिंग एक्टिविटी में जुड़ने लगे। तब रिपु दमन को लगा कि उनको एक नेशन वाइड कैंपेन करना चाहिए, और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ मैंने एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया, रन टू मेक इंडिया लिटर फ्री, जहां मैं 50 दिनों में 50 शहरों की सफाई करते हुए 1000 किलोमीटर ऑन फुट क्लीन अप किया। और उसी दौरान मुझे एक दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉल आया, जो कि मन की बात पे फीचर हुआ। जब मन की बात में रिपु दमन को कवर किया गया, तो इंडिया के हर कोने में, हर सिटी में प्लॉगिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। अब लोगों को समझ में आ गया था कि देश की सफाई कचरे वाले नहीं, सफाई वाले करते हैं। तो जो भी हम वेस्ट इकट्ठा करते हैं, जनरली हम रिसाइकलर्स को दे देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल हो सके। और बाकी बात रही प्लास्टिक की कंजम्पशन को कम करने के लिए, तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, प्लास्टिक उपवास, जहाँ पर हम लोगों को इंकरेज करते हैं कि अपनी लाइफ से एक सिंगल यूज़ आइटम, कोई भी सिंगल यूज आइटम आप अपनी लाइफ से खत्म कर दो। इस सब को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने रिपु दमन को और भी ज्यादा सपोर्ट किया। तो गांधी जी के शब्दों को लेकर एवरीवन नीड्स टू बी देयर ओन स्कैवेंजर, इस मुहिम की मैंने शुरुआत की 2016 में, और अक्टूबर 2, 2019 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर हमारे साथ पहला फिट इंडिया प्लॉगिंग रन रखा, जहां पे 40 लाख लोगों ने ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट किया, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल फॉर मी। और तब से लेके आज तक रिपु दमन और उनकी टीम प्लॉगिंग कर रहे हैं। इस मुहिम को देश के हर कोने तक लेकर जाना है, तो अगले 24 महीने में हम चाहते हैं कि देश में 770 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक ऐसी प्लॉगिंग या लिटर फ्री कम्युनिटी हो, जो एक्टिवली लोकल्स के साथ मिलकर काम कर सकें, क्योंकि मैं एक कैटलिस्ट हूँ, आई एम नॉट अ चेंज मेकर। एवरी लोकल इन देयर सिटी कैन बी द प्लॉग मैन और प्लॉग वुमन ऑफ देयर सिटी एंड एक्चुअली मेक देयर सिटी लिटर फ्री। तो अगर आपको भी रिपु दमन की स्टोरी ने इंस्पायर किया है, और आपको लगा कि आपको भी रिपु दमन को सपोर्ट करना चाहिए, आप उन्हें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक सपना है, जो हर एक भारतीय का, 140 करोड़ भारतीयों का सपना होना चाहिए, कूड़ा मुक्त भारत, लिटर फ्री इंडिया, आई वॉन्ट टू मेक दैट अ रियलिटी विद इन माई लाइफ टाइम, दैट्स माई अल्टीमेट गोल। रिपु दमन की एक छोटी सी एक्टिविटी ने आज कई सारे नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए कहते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस करने का जज्बा होना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीक।